पाकिस्तान फैंस एनालिसिस में खुश आमदी। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत ही हाईली रैंक्ड एक्सरसाइज शाहीन 9 या शोंगिंग 9 की शुरुआत हो चुकी है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इस एक्सरसाइज में रशियन SU-35S और J-20 फायर जेट्स के अलावा तमाम ही चाइनीज़ फायर जेट्स जो हैं वो हिस्सा ले चुके हैं और इसमें चाइना की जानिब से बहुत से सेंसिटिव इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन शाहीन 8 में भी जब चाइना और इंडिया के दरमियान टेंशंस बहुत रूज पे थी तब ये एक्सरसाइज की गई थी और इसको एक तरह से मैसेज के तौर पे लिया जा रहा था। शाहीन एक्सरसाइज जो है वो अल्टरनेट लोकेशंस पे की जाती है। इस बार भोलारी एयरबेस कराची को मुंतखब किया गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान F-16 इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और इस एयरबेस के F-16 को अभी के लिए किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। इस एक्सरसाइज में अगेन J-10C फिर से हाईलाइट जो है उसकी आ सकती है। इसके अलावा ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं इस बार इस्तेमाल की जाती हैं। J-16 जो है एक बहुत अहम एसेट हो सकता है और ये सिर्फ फाइटर जेट्स की हद तक महदूद नहीं है, इनमें रिडार्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं। ये एक्सरसाइज जो है अब शुरू हो चुकी है। मंडे को इसने शुरू होना था लेकिन किसी किस्म के विजुअल्स को अभी पब्लिक नहीं किया गया है, इसलिए एसेट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। बहरहाल शाहीन 9 जो है एक बहुत ही हाई टीयर, बहुत सेंसिटिव एक्सरसाइज है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम एक्सरसाइज है जो कि अब पाकिस्तान के अंदर कराची में भोलारी एयरबेस में कंडक्ट की जा रही है। पाकिस्तान के वेस्ट में एक जो बहुत अहम काम चल रहा है वो है बॉर्डर फेंसिंग का और इसके हवाले से कुछ अपडेट्स भी सामने आई हैं। 5 दिसंबर को जो है पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से अपडेट दी है कि तकरीबन 83% पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को फेंस किया जा चुका है और ये तमाम फेंसिंग का काम जो है 2021 के मिड में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बॉर्डर के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि एक डबल फेंस होगा जिसमें 3 मीटर की चेन लिंक फेंस होगी और उनके दरमियान गैप में जो है बार्ब वायर नस्ब होंगी। इसके साथ जो है ईरान के साथ जो बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है उसकी भी अपडेट DGISPR ने दी है और ये बताया है कि तकरीबन 30% फेंसिंग जो है इस एरिया की कंप्लीट की जा चुकी है। 900 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और इसका फेंस भी अफगान फेंस की तरह का ही है, यानी डबल फेंस है जो कि बार्ब वायर से सेपरेट होगा। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लेंथ जो है तकरीबन 900 किलोमीटर है और हालांकि ये 2021 के एंड तक मुकम्मल किया जाना है। अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग के मामले में मुकाबलतन ये जल्द मुकम्मल हो जाएगा अगर ड्यूरेशन को ध्यान में रखें। इन बॉर्डर्स के साथ सर्वेलेंस के लिए भी एक नंबर ऑफ़ यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों बॉर्डर्स पे बहुत सी तादाद में कलर्ड और थर्मल इमेज कैमराज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा इस एरिया में मेजर और माइनर फोर्ट्स की तैयारी की जाएगी और इसके साथ साथ जो है अनमैंड एरियल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक अहम एक्टिविटी है जिसके पॉजिटिव असरात जो है यकीनन हमें आने वाले सालों में बेहतर सिक्योरिटी सिचुएशंस के ज़रिए देखने को मिलेंगे। टर्की के हवाले से अपडेट्स हैं जो कि पिछले कुछ चंद दिनों में आई हैं जो कि पाकिस्तान रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहले तो TS-1400 इंजन के हवाले से एक अपडेट आ रही है कि दिसंबर के महीने के अराउंड ही टर्की की जानिब से TS-1400 इंजन को टेस्ट किया जाएगा। TS-1400 का एक प्रोटोटाइप इसी महीने डिलीवर किया जाएगा जहां से टर्किश एरोस्पेस ज़्यादा चांसेस में इसे गोकबे T-625 हेलीकॉप्टर में टेस्ट करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये इंजन जो है T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फ्यूचर में ये T-625 पे कैसे रिजल्ट शो करता है ये बहुत ही अहम चीज़ ध्यान में रखने वाली मौजूद होगी। नेवल चीफ ने इसके बाद जो है मिलगन कॉर्बेट्स की कंस्ट्रक्शन एरिया का भी विजिट किया है और इसके हवाले से प्रोग्रेस पर इंक्वायर की है। उसके बाद तीसरी अपडेट में पाकिस्तान एयरनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने टर्की को दिए जाने वाले सुपर मुशाक्स में से पहला यूनिट जो है प्रोड्यूस कर लिया है। पाकिस्तान एयरनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में बनाया गया सुपर मुशाक जो है एक बेसिक ट्रेनर और लाइट अटैक क्राफ्ट है जिसके अंदर बर्क लेज़र मिसाइल कैरी करने की एबिलिटी मौजूद है और चंद महीने पहले ही या चंद अरसे पहले ही जेनेसिस सिस्टम का अपग्रेड जो है इसमें मौजूद है और कुछ ही अरसे पहले सुपर मुशाक ने अपनी मैक्सिमम हाइट के रिकॉर्ड्स भी अटेन किए हैं। टर्की की तरफ से 52 यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया हुआ है और पहला यूनिट जो है रोल आउट हो चुका है जिसके हवाले से पेंट जॉब का काम मुकम्मल किया जाना है। ये डील पाक तर्क स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत की गई थी।
लास्टली पाकिस्तान की AFV यानी आर्मर फाइटिंग व्हीकल के हवाले से चंद रूमर्स जो हैं सर्कुलेट कर रही हैं, और HIT यानी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने भी इस हवाले से कुछ स्टेप्स शो किए हैं। आई थिंक इस चीज़ को सब जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ के करीब, स्पेशली वॉलेटाइल एरियाज़ में जैसे बलूचिस्तान के चंद इलाकों में, टेरेन और स्ट्रॉन्ग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की वजह से आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। HIT टेक्सला ने बहुत से प्रोडक्ट्स माजी में शो किए हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी मियार पे पूरा नहीं उतरता है। Hamza 6x6, Hamza 8x8 के बारे में बहुत सी उम्मीदें थी और अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसका मुस्तकबिल में अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद IDS 2018 में वाइपर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी दिखाई गई थी, लेकिन इस पर भी किसी किस्म की प्रोग्रेस सामने दिखती हुई नज़र नहीं आई है। उसके अलावा भी एक नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो देखने को मिली थी, लेकिन कभी भी कोई वाज़े प्रोग्रेस सामने नहीं आई है। खैर, ये एक इसकी इम्पोर्टेंस का ही एक रोक कह सकते हैं आप। और इसी हवाले से HIT ने मुहाफिज 4 को चंद दिन पहले अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। ये बेसिकली टोयोटा लैंड क्रूजर LC79 की चेसिस को मॉडिफाई करके बनाई गई है, जिसमें इम्प्रूव सस्पेंशन हैं और ब्रेक्स मौजूद हैं, ज़्यादा वेट की कैपेबिलिटी मौजूद है, मैन्यूवरिंग बेहतर है। मुहाफिज 4 को B6 लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है और बेसिकली G3 या क्लाशनकोव जैसे राइफल से ये प्रोटेक्शन दे सकेगी। प्लस इसमें एडिशनल फीचर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रन फ्लैट टायर्स के साथ जो हिट के बाद भी तकरीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। 150 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, बुलेट प्रूफ ग्लासेस इसमें मौजूद हैं और सब कुछ। ऑन पेपर तो अगेन ये एक बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन HIT का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता है कि आर्मी में शामिल होगा। बेस्ट बेट मेरे ख्याल से यही है कि या तो जो अफगानिस्तान से आर्मर फाइटिंग व्हीकल वापस जा रही हैं वो ख़रीद ली जाएं, या किसी फॉरेन मुल्क से एक आर्मर फाइटिंग व्हीकल लेके उसके लाइसेंस प्रोडक्शन कर दी जाए। किया ने जो है अपनी लाइट टैक्टिकल व्हीकल IDS 2018 में दिखाई थी, और हजवेरी ग्रुप के साथ जो है किया की पार्टनरशिप भी हुई थी, लेकिन इस पर भी कुछ सामने नहीं आया है। बहरहाल जी, किया की लाइट टैक्टिकल व्हीकल जो है एक बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मुहाफिज 4 ज़रूरियात पे पूरा उतरता है तो इसे ज़रूर परसू किया जाना चाहिए। इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।